गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, बीएड फर्स्ट ईयर और अपना सब्जेक्ट है समकालीन भारत एवं शिक्षा, जिसके अंतर्गत हम यूनिट फर्स्ट पढ़ रहे हैं। यूनिट फर्स्ट में हम पढ़ रहे थे शिक्षा के कार्यों के बारे में। शिक्षा के कार्यों के बारे में हम पढ़ रहे थे, जिसमें हम आज की जो ऑनलाइन क्लास है उसमें हमने शिक्षा के व्यक्तिगत कार्य के बारे में चर्चा कर ली थी, हमने शिक्षा के सामाजिक कार्य के बारे में चर्चा कर ली थी। आज हम शिक्षा के राष्ट्रीय कार्य के बारे में चर्चा करेंगे। आज का जो अपना टॉपिक है वो है शिक्षा के राष्ट्रीय कार्य। आज की जो ऑनलाइन क्लास है उसमें हम शिक्षा के राष्ट्रीय कार्यों के बारे में चर्चा करेंगे कि शिक्षा के अंतर्गत उसके राष्ट्रीय कार्य कौन कौन से हैं, किस प्रकार से राष्ट्रीय कार्य को इसके अंतर्गत समावेश किया गया, कौन से बिंदु हैं जिनके द्वारा शिक्षा को राष्ट्रीय विकास में भी सहायक मानी जाती है। तो हम इसमें पढ़ेंगे कि शिक्षा से जो संबंधित जो राष्ट्रीय कार्य है उसके अंतर्गत कुछ बिंदु है। सबसे पहला बिंदु है इसके द्वारा भावनात्मक एकता में वृद्धि की जा सकती है। सबसे पहला बिंदु है इसके द्वारा भावनात्मक एकता में वृद्धि की जा सकती है। भावनात्मक एकता में वृद्धि, तो इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि भारत के अंतर्गत बहुत सारे समुदाय के लोग रहते हैं, अलग धर्म के, अलग जाति के, अलग समुदाय के, उनका रहन सहन खान पान एक दूसरे से भिन्न है, तो भी हम यही कहते हैं कि हम भारत देश के नागरिक कहलाते हैं, भारत देश के हम नागरिक कहे जाते हैं, यानी भारत के अंदर अनेकता में भी एकता विद्यमान है। इसलिए हम इसमें देखेंगे कि धर्म, जाति, राष्ट्र, भाषा, रीति रिवाज आदि यहाँ एक दूसरे से भिन्न है। धर्म, जाति, राष्ट्र, भाषा आदि से जो भारत देश के अंदर जो भाषा के आधार पर, हम पहनावे के आधार पर, खान पान के आधार पर एक दूसरे से जो राज्य है वो एक दूसरे से भिन्न है, लेकिन तो भी हम उसके अंदर एकता के स्वरूप को दर्शाते हैं। इसमें अपने धर्म के अच्छे तथा दूसरे धर्म को बुरा नहीं समझते हम। एक धर्म को हम अच्छा है, दूसरे धर्म को बुरा नहीं मानते। सभी धर्मों के प्रति समानता का व्यवहार अपनाते हैं। इसमें जो 42वें संशोधन हुआ था उसके अंदर हमने बात जोड़ी थी कि जो पंथ निरपेक्ष है, यानी व्यक्ति किसी भी धर्म या किसी भी राष्ट्र, लिंग, जाति के आधार पर व्यक्ति किसी भी व्यक्ति से भेदभाव नहीं कर सकता। सभी धर्मों को समान रूप से मान्यता प्रदान की गई है, जो विभिन्न धर्मों एवं मानवता के मूलभूत सिद्धांतों को समझा सकती है। ये तभी समझा सकती है जब हम राजनीति विज्ञान के अंतर्गत जो राष्ट्रीय कार्य है उस राष्ट्रीय कार्यों के अंतर्गत सभी धर्मों को परस्पर उसके जो नियम है उनकी समानता है, ईश्वर एक है, इस प्रकार की बातों का समावेश करेंगे। दूसरा है कुशल नागरिक का निर्माण। दूसरा है कुशल नागरिक का निर्माण। कुशल नागरिक का निर्माण, इसके अंतर्गत शिक्षा के द्वारा अच्छे नागरिकों का निर्माण किया जा सकता है, क्योंकि किसी भी राष्ट्र की आधारशिला उसके नागरिक होते हैं। यानी जो आज का जो बालक होगा वो शिक्षा प्राप्त करके बड़ा होके एक राष्ट्र का नागरिक होता है, समस्त राष्ट्र के जो कंधों का बोझ उसके ऊपर होगा, यानी वो आगे चलकर कोई इंजीनियर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई सैनिक बनेगा, यानी जो राष्ट्र की भावी पीढ़ी का भार होता है उसके नागरिक पर निर्भर होता है। इसलिए राजनीति विज्ञान के अंतर्गत इन कार्यों को प्रोत्साहन किया गया है कि व्यक्ति के अंदर अच्छे नागरिकता संबंधित गुणों का विद्यमान हो। शिक्षक के द्वारा शिक्षक के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को उसके कर्तव्य तथा अधिकारों का ज्ञान कराया जाता है। थर्ड है राष्ट्रीय विकास। राष्ट्रीय विकास, इसके अंतर्गत देखते हैं कि प्रत्येक राष्ट्र का विकास उसके नागरिकों पर निर्भर रहता है। यदि देश के सभी व्यक्ति शिक्षित होंगे, यदि उस राष्ट्र के या उस देश के व्यक्ति शिक्षित होंगे
तो निश्चित ही राष्ट्र के नागरिक आत्मनिर्भर बनेंगे। इससे प्रत्येक नागरिक को आय में वृद्धि होगी, इस प्रकार आर्थिक विकास भी दृष्टिगोचर होगा। अतः राष्ट्रीय विकास में शिक्षा को महत्वपूर्ण भूमिका दी गई है। फोर्थ है राष्ट्रीय एकता। राष्ट्रीय एकता इसके अंतर्गत जातिवाद, राज्य, क्षेत्र तथा भाषा को लेकर अनेक झगड़े खड़े हो जाते हैं। भारत के अंदर भी देखो, आज से पहले कि जो व्यक्ति शिक्षित नहीं था उस समय हम एक दूसरे के धर्म के नाम पर झगड़ा करते थे, एक दूसरे की भाषा के नाम पर झगड़ा कि हमारा राज्य ये, हमारा राज्य हमारी भाषा के आधार पर अलग राज्य बने, जिस प्रकार तेलंगाना राज्य बना, इस प्रकार के झगड़े होते रहते थे। लेकिन भारतवासी कहलाने वाले हम अपने आप को पंजाबी, बंगाली एवं गुजराती कहते हैं तथा अपनी अपनी भाषा को प्रमुख मानते हैं। हम अपने आप को जब भी कहीं जाते हैं तो हम कहते हैं हम राजस्थानी हैं, पंजाबी हैं या गुजराती हैं, लेकिन तो भी अपने आप को हम एक भारत देश का नागरिक मानते हैं। ऐसा क्यों? एक अमेरिकन ने अपनी डायरी में लिखा, मैं भारत गया। अमेरिका का कोई व्यक्ति था, उसने अपनी डायरी में लिखा कि मैं भारत गया जहाँ पंजाबी, गुजराती तथा बंगाली सभी मिला। परंतु आश्चर्य की बात है कि मैं भारत के दौरे पर गया, मुझे वहाँ पंजाबी मिला, गुजराती भी मिला, राजस्थानी भी मिला, लेकिन आश्चर्य की बात मुझे ये लगी कि भारतीयों से मुलाकात न हो सकी, कि मुझे भारतीय से मुलाकात नहीं हो सकी। हर कोई कहना चाहता था कि मैं तो पंजाबी हूँ, मैं गुजराती हूँ, मैं राजस्थानी, लेकिन मुझे किसी भारतीय से मुलाकात न हो सकी। शिक्षा द्वारा यह भावनाएं दूर करके भारतीयता की भावनाएं लाई जा सकती है। शिक्षा के माध्यम से इस प्रकार की भावना को दूर करके हम किसी भी व्यक्ति को कह सकते हैं हम भारत देश के नागरिक हैं। पांचवा है सार्वजनिक हित। पांचवा है सार्वजनिक हित। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि आजकल मानव अत्यधिक स्वार्थी हो गया है। शिक्षा को यह समझ सकता है कि वह सभी का हित होगा। शिक्षा के द्वारा यह समझा जा सकता है कि शिक्षा के द्वारा सभी का हित होगा, उसमें कुछ भी अपना हित हो सकता है, केवल स्वयं के भले दूसरे को लेस मात्र नहीं भला हो सकता। इसलिए स्वार्थ की भावना को छोड़कर सार्वजनिक हित को ध्यान में रखना चाहिए। शिक्षा के द्वारा व्यक्ति को जो स्वार्थपरक भावना है कि मेरा ही कल्याण हो, उस भावना को सोचकर ये कार्य करने चाहिए कि जिस कार्य में सर्व हित सम्मिलित हो, सभी लोगों का कल्याण विद्यमान हो। सिक्स है राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि आजकल शिक्षा का कोई उद्देश्य नहीं रहा। यदि शिक्षा को पुस्तकीय रूप में देकर व्यवसायिक शिक्षा का रूप दे तो बेरोजगारी व्यक्ति स्वयं कुछ व्यवसाय कर सकते हैं। यानी शिक्षा, गांधी जी ने भी कहा था बुनियादी शिक्षा के बारे में कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो व्यक्ति को शिक्षा के पर्यंत या शिक्षा के बाद उसको रोजगार प्रदान करने में सहायक हो, यानी व्यक्ति आत्मस्वावलंबी बन सके, रोजगार प्राप्त कर सके, ऐसी शिक्षा होनी चाहिए। शिक्षा के द्वारा ही, यानी ऐसी शिक्षा के द्वारा ही वह व्यवसाय कर सकता है जिससे देश का बोझ हल्का होने के साथ साथ उसके राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि होगी। यानी प्रत्येक व्यक्ति संपन्न होगा तो उस व्यक्ति से उसका राष्ट्र भी संपन्न होगा। नेक्स्ट है अपना अधिकारों तथा कर्तव्यों का ज्ञान। सेवंथ है अधिकारों तथा कर्तव्यों का ज्ञान। इसमें हम देखेंगे कि व्यक्ति को अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों का भी ज्ञान होना चाहिए। यानी जब उसको अपने अधिकार हैं, अधिकारों के बारे में ज्ञान है, लेकिन उसको अपने कर्तव्य के बारे में ज्ञान नहीं है, तो उसका कोई मतलब नहीं। यानी व्यक्ति को अपने कर्तव्य का ध्यान पहले रखना चाहिए, उसके बाद में वो अधिकारों का पूर्ति रख सकता है। इसलिए राजनीति विज्ञान के अंतर्गत व्यक्ति को अपने क्या अधिकार हैं, अपने प्रति, देश के प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति किस प्रकार के वो अधिकार रखता है, उसके क्या अधिकार हैं और उसके क्या कर्तव्य हैं, इस सभी के बारे में जानकारी भी उसको
मिलती है। तो आज की जो ऑनलाइन क्लास है उसमें हमने शिक्षा के राष्ट्रीय कार्य के बारे में चर्चा की। शिक्षा का राष्ट्रीय प्रथम कार्य था पानत एकता में वृद्धि, उसका दूसरा कार्य था कुशल नागरिक का निर्माण, उसका तीसरा कार्य है राष्ट्रीय विकास, उसका चौथा कार्य है राष्ट्रीय एकता, पांचवा है सार्वजनिक हित, सिक्स है राष्ट्रीय आर अधिकारों एवं कर्तव्यों का ज्ञान। इन संबंध में जो आज की जो ऑनलाइन क्लासेस में हमने चर्चा की, इसके जो कुछ और बिंदु बचे हैं, शिक्षा का जो नया को वैसे कार्य है उसके बारे में हम नेक्स्ट जो क्लास है उसमें चर्चा करेंगे। आज की क्लास में हम यही तक चर्चा करेंगे। आप सभी को ध्यान सुनने के लिए धन्यवाद।